ना दे रहे हैं, मात्र 20 दिन हो गया है अभी तक। हम लोग को लगातार आज 20वां दिन है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना पे कंटिन्यू जारी रखेंगे धरना। अभी तक जो है जो भी धरना स्थल पे आते हैं लोग, तो उनको डिलीकेस्ट वगैरह आते हैं, देख लेते हैं, डीएम वगैरह देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि उनकी आखिर है मांग क्या, लेकिन अभी तक आप लोगों को सुनवाई हुई है कि नहीं यहाँ पे? हम लोग को एक सूत्रीय मांग है कि जो नियमावली 2007-22 में जो निकली है वैकेंसी, उसी वैकेंसी से हम लोग को परमानेंट नौकरी दी जाए, ना कि 23 के नियमावली ऐड की जाए। हम लोग को नीतीश जी से या स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी से आग्रह है कि सर हमारी बात को मान लें और हमारी मनोकामना जल्दी से पूर्ण करें। ऐसे कैसे मान लेंगे नीतीश जी? ऐसे नहीं मानेंगे तो मनाना ही पड़ेगा। हम लोग कंटिन्यू अभी जितना दिन धरना पे बैठे ना पड़े हम बैठे रहेंगे, जब तक नहीं मानेंगे तब लोग की जो मांग है पेपर में भी आ गया है, आप बोल रहे हैं कि जो मतलब उनका जो एग्जाम होगा उन पर निर्णय लिया जाएगा। नहीं, एग्जाम हम लोग नहीं देंगे। हम लोग 10 वर्ष से क्यों खट रहे हैं एग्जाम देने के लिए? जिस दिन ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन हम लोग एग्जाम दे के आए हैं, आयुष चिकित्सा के फार्मासिस्ट के और आयुष अति RBS के NM को, सभी को एक पत्रांक और एक दिनांक के साथ, एक साथ एक दिनांक पत्रांक के साथ ज्वाइनिंग हुआ है। तो उन लोग को ज्वाइनिंग के समय एग्जाम नहीं ली गई, तो पर NM के क्यों एग्जाम लिया जाएगा? हम लोग भी एग्जाम नहीं देंगे। इसी तरह काउंसलिंग करा के नियुक्ति देनी होगी सबके साथ। जो डॉक्टर लोग जो वैकेंट है उन लोग को शायद हो गया है, उन लोग को हो गया, काउंसलिंग तक हो गई, काउंसलिंग तक हो गया। हाँ, तो हम लोग को क्यों एग्जाम लिया जाएगा? डॉक्टर लोग कब हुआ था? डॉक्टर लोग को यही है कुछ दिन पहले हुआ है, 10 दिन पहले। मतलब 2023 में ही हुआ है, 2023 में ही काउंसलिंग के थ्रू। हाँ, उन्हीं के साथ एक पत्रांक एक दिनांक से ज्वाइनिंग किया है। हाँ। हम लोग को कहती एग्जाम लेने की बात बोल रही है सरकार। BTSC के द्वारा निकला हुआ उन लोगों का भी वैकेंसी है, उन लोगों को भी निकाला गया था कि काउंसलिंग करा कर ही ली जाएगी, तो उन लोगों का काउंसलिंग हो गया। अब हम लोगों के काउंसलिंग में माने नियम पे नियम लागू कर दिया गया है कि अब एग्जाम होगा तो निगेटिव मार्किंग होगी, ये वगैरह वगैरह सब किया जा रहा है उसमें ऐड। अब तो आप लोग को देखा जाए तो ज़्यादा एज भी नहीं है कि अब पढ़ने के? हाँ, बहुत सारे दीदी लोग हैं जिनका अब एज बहुत कम बचा हुआ है। अब तो हम लोग को खुद एग्जाम बहुत आती, हम लोग को खुद एक्सपायर करेगा। 10 साल नौकरी बच रही है, अब बताइए एग्जाम नहीं पास करेंगे तो हमारी तो सरकार परमानेंट करेगी नहीं, इसीलिए हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। बल्कि जैसे हो जितना दिन धरना पर रहना पड़े, लेकिन हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, किसी तरह भी सरकार को मानना होगा। हेल्थ मंत्री तेजस्वी यादव हैं, बीते दिन लगातार आप लोग पहले सरकार में नहीं थे तो सुनते थे आपकी बात, लेकिन आप नहीं सुन रहे सरकार में आने के बाद, क्या जब उनकी सत्ता नहीं थी तब उनसे हम लोग मिलने गए थे, हम सभी लोग RBS के सिस्टर, तो बोले थे कि देखिए मेरी अभी सरकार नहीं है, जब मेरी सत्ता आएगी तब आपको बात हम सुनेंगे और सबसे पहले आप ही को परमानेंट नियुक्ति देंगे। उसी आश्वासना से हम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि अभी भी वो सुन ले मेरी बात को, अब देखिए कब सुनते हैं, कंटिन्यू धरना जारी रहेगा। आप लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। हम ऐसी घोषणा भी की थी कि जब मेरी सत्ता आएगी, जब हम मेरी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों को गृह जिला देंगे। अच्छा। नियमित नियुक्ति के साथ साथ गृह जिला देंगे ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था सही रूप से चल सके। लेकिन इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, सत्ता के भूखे हैं, फिर ही तो नहीं आए अभी तक मिलने के लिए। आगे क्या करिएगा आप लोग का? आगे हम लोग को कंटिन्यू धरना जारी रहेगा। जो करेंगे हम लोग, जो हम लोगों को करना होगा वो आगे हम लोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कि लालू यादव से भी आप लोग मिलने का काम किए हैं? देखिए लालू यादव जी से तो गए मिलने तेजस्वी जी से, लेकिन लालू यादव जी से मुलाकात हुई, मेरी बहन लोग गई थी, लेकिन उससे कोई काम सफल नहीं हो रहा है, तब इसीलिए हम लोग धरना पे जा रहे हैं। कोई अच्छा निष्कर्ष निकले तब ना हम लोग धरना छोड़ के वापस जाएं, लेकिन कोई वैसा कुछ बातचीत हो नहीं रही है, इसी के इंतजार में बैठे हुए हैं और कंटिन्यू अभी धरना जारी रहेगी।